सुहरो किस क्या हाल इस वीडियो को के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। हाँ मुझे पता है तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि आज की वीडियो में ऑडियो नाम की चीज़ नहीं होगी क्या। नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, पर हाँ तुम्हें लग सकता है ऐसा क्योंकि हर चौथे दिन मेरे साथ कोई ना कोई ग्लिच होता ही रहता है और वो भी ग्लिच ही था। पर अच्छी बात है 3-4 सेकंड के लिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं, पता नहीं भाई क्यों क्या हो जाता है कभी कभी। वेल जो भी हो मैं फैक्ट्री में आया उस वाले मैच में और मुझे M24 मिल चुकी उतरती। क्या इसमें नई बात तो है नहीं, कुछ ये मिली असल के। और तुम्हें याद हो कल मैंने बताया था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के साथ एक बढ़िया सा मैच दिखाऊंगा, मतलब वीकेस्ट वेपन के साथ दिखाया था। हाँ वो मैं जीत नहीं पाया। अब यार वापस से कोई नहीं वीएसएस चलाएगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन तो फिर भी चला सकते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई आज असल के चलाते जी भर के। मैंने दया करने का एक बार के लिए मैंने सोचा स्नाइपर से मार देता हूँ, कोई नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि शॉटगन चला रहे भाई सब, तो फिर अपन क्यों पीछे रहेंगे। अब ऊपर कोई बंदा मोली वगैरह फेंकता है जिसको कि मेरा टीममेट नॉक कर देता है, मैं फिर भी ऊपर जाता हूँ कि क्या पता आसपास कोई हो। कोई भी नहीं होता, इट्स ओके, इसको खत्म करा। मैंने फर्स्ट एड मिल गई और एसलू के थोड़े एमो मिल जाते हैं। और आज मैंने सोचा क्यों ना भाई स्नाइपर के साथ यूज कर लेते हैं, जब मैंने खुद को पूरी फ्रीडम दे दी कि साहिल कोई भी वेपन यूज कर ले तो क्या दिक्कत है यार, स्नाइपर के साथ चलाएंगे ना। हाँ वो है कि असॉल्ट राइफल का मजे नहीं ले पाऊंगा, लेकिन भाई मैं 28 में से ना 24 दिन ये असॉल्ट राइफल से चलाता हूँ तो आज माफ करना। ये साइड में जो बंदा है शॉटगन वाला नहीं, ये मुझे बॉट नहीं रियल लग रहा है, पता नहीं भाई बोट नहीं का निकलता शायद से, क्योंकि देखो जो उसने शॉर्ट्स पहन रखे ना वो रियल प्लेयर से पहनते देखे मैंने। ओके इग्नोर, अभी ऊपर की तरफ रियल प्लेयर से और दो बंदे लड़ रहे हैं, परफेक्ट किल चोरी। अब इस वाले के पास शॉटगन थी तो चलते हैं ना सीधा खत्म करते हैं। क्या ही सेटिस्फेक्शन मिल रही थी यार अब मेरे को एसल के चलाने में, मतलब पिछले 10-15 दिन की भड़ा से एक साथ निकल रही थी, बस गलती से आरपीजी वाले बंदे ना मिल जाए यार, फिर लिटरली मेरे को झुकना पड़ेगा। खैर जो भी हो गाड़ी लेकर मैं आया थोड़ा विलेज के पास, यहाँ दरवाजे वगैरह खुले पड़े हैं तो मे भी बंदे हों। अभी तक तो एक बंदा दिखाया देखो लेफ्ट में और एक नंबर का बोट निकल लग रहा था देखने में तो, लेकिन ये रियल प्लेयर ही होता है। और इसको नॉक करना सच में जरूरी था यार, क्योंकि देखो तीन बंदे थे मेरे सामने, एक तो लेफ्ट में जिसमें मैं एम करने का ट्राई करता हूँ और एक राइट से भागा भागा आ रहा था और एक ये तो था जिसको मैंने जस्ट भी नॉक करा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने इनके एक बंदे को तो पूरा फिनिश कर ही दिया है, एक नॉकड है, दो अपने पैरों पर खड़े हैं, एक और को फिनिश करा, बहुत ही सही जा रहा है। और अब तो बस एक ही बचा है जो कि अंदर की तरफ है और तभी ये लेफ्ट से आता है, मुझे लगा बोट होगा बट भाई इसको कौन बोट कह दे, नाम देखो और बिल्कुल 100% रियल प्लेयर था। अब एक ही बंदा बच रखा है इनके सामने तो तुम्हें लग रहा होगा यार इसको खत्म करने के बाद तो शायद पूरी टीम मर जाएगी है ना। नहीं भाई पता नहीं चार बंदे भी अलग अलग टीम्स के थे भाई, क्या यार अलग अलग मतलब टीम अप तो नहीं कर रखा था इन लोगों ने, दो अलग टीम के। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा उछल कूद इसलिए कर रहा था देखने के लिए उछल के कि कहीं पे एक और नॉक मिल जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था अभी भी कोई ना कोई नॉक डे का किल मेरे को सिक्योर करना है, उसके बाद मेरे 10 किल जो हो जाने हैं। लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, 9 किल के साथ सेटिस्फाइड रहना पड़ता मेरे को, यहाँ कर लेंगे डबल डिजिट किल। जैसे मैं इस तरफ आया यहाँ पर मुझे एक बग्गी दिखी और उस बग्गी में एक ही बंदा बिल्कुल भी नहीं है। अरे एक शॉट लग जाता, मुझे पता है भाई ओपन में मैं एसल किसी 2 बंदों से नहीं लड़ सकता, हाँ एक को नॉक कर दूंगा बड़ी आसानी से लेकिन दूसरा आइटम में फिनिश कर जाएगा। अब क्योंकि उनकी बग्गी देखो उस तरफ से बिल्कुल आवाज़ आना बंद ही हो चुकी थी तो मैं समझ गया था पक्का उन्होंने वहीं पे रोक ली होगी, और मेरे को डर था भाई घुमा के वो वहाँ से ना ले आए, बहुत तगड़ा सरप्राइज अटैक दे देंगे, इसलिए मैं यहीं से निकल लेता हूँ। और ये देखो ओ भाई व्हाट द, ये होता है देख रहे हो मेरे साथ, जबकि मेरा पिंक भी ठीक आ रहा है उसके बाद भी पता नहीं। ओए होए होए कितना बेरहम हूँ मैं यार, एसल कैसे मार दिया बालकों को यार, मेरे को उल्टा सीधा यार किसी दिख रही है यार किसी यार कुछ ही बोल रहा हूँ। अरे यार फिनिश हो जाएगा बस, अरे हिल मारना करो जी, हाँ यार रील्स बना लेता हूँ शॉर्ट वीडियो। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट में आई मीन सेंट्रल रोड की तरफ 2 टीम्स लड़ रही होती है शायद से, और उन लोगों का ध्यान कुछ करके मेरी तरफ भी आ जाता, लेकिन मैं ये देखो लोग शूट करने का ट्राई करते हैं बट विल स्किप टू द गुड पार्ट। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ आ चुका था और यहाँ पर कुछ बोट्स मारा था, देख रहे हो मतलब क्या बताऊँ एम भी नहीं हो रहा मेरे से, बट टेंशन नॉट, वो जो बंदे थे वो पैक होकर मेरे पे शायद रश करने आ चुके हैं, शायद नहीं पक्का भाई।
ये हमारा कुछ सॉलिड वाला शॉट समझ रहे हो। साइड में अभी भी एक बॉट परेशान कर रहा है, लेकिन मैं अभी वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उस गाड़ी में पक्का 2 से 3 बंदे तो थे। वो देखो एक रियल पेयर भाग के उसको रिवाइव करने क्या। अब मैं एकदम से सामने भी नहीं जा सकता क्योंकि क्लोज रेंज भाई। मैं देखो मिड रेंज में कुछ कर ही नहीं सकता। ये अभी एक तरह से मिड रेंज ही है ना। मैं यहाँ पे अभी तो एसएलएल खैर चला सकता हूँ, लेकिन क्यों ना थोड़ा ग्रेनेड्स वगैरह का भी इस्तेमाल करा जाए। सिर्फ एसएलएल के नहीं चलेंगे, टेंशन नॉट। ये बोट देखना भाई इतना बेशरम है, मैं बता रहा। इससे स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, देखते जाना तुम। वो छुप गया, ठीक है, कितना चालाक बोट है, छुप गया। लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर से फोकस ट्राई करा, आई मीन फोकस करने का ट्राई करा, और अब शायद से पूरी टीम खत्म हो चुकी है। इट्स ओके, लग तो कुछ ऐसा रहा, या फिर यहाँ भी कोई है भाई। ओ देखो बैठेगा, बिल्कुल एक बोट शॉट लगा भाई। पहले इस ना बोट की मेरे को ऐसे करनी पड़ेगी, तभी मैंने स्कोप इन करा। और देख रहे हो भाई ये बोट क्या मजे ले रहा है भाई, कवर क्या लेता है भाई। वाह भाई वाह, कसम से यार इस बोट से तगड़ा कवर कोई भी नहीं ले रहा। मैं सोच ही रहा था क्या फिर से शूट, फिर देख क्या जाएगा। मैंने इसको इग्नोर ही कर दिया क्योंकि बार बार भाई कवर ले रहा था और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था। ओके फटाक से मैंने यहाँ से थोड़े इसके क्या कहते हैं एमो उठाया ना एसएलके, और फिर वो बग्गी वाला बग्गी आ गई। बग्गी बग्गी अपने पास है, उसी समझ लेना ना बग्गी था ये। ये डैम भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी का तो किल मिल जाए तो बोट का। इस बोट ने धूम मच, फाइनली भाई ये मारा। थैंक यू भाई तेरा, तूने इस बोट को मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं तेरे को छोड़ दूंगा। ना ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो साथ और बुरा कांड कर दिया यार। अभी निकल भी नहीं सकता, निकलेगा तो भाई बग्गी, तुम्हें पता है बग्गी ग्लिच कर देती है। और ये शायद पीछे की तरफ से कूद सकता है, है ना, पीछे की तरफ से कूद सकता है, लेकिन पता नहीं। गेट इन करके शिट भाई यार, पीछे देखो स्टेडियम की तरफ भी कोई ना कोई बंदा है, और मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे सामने ओपन में खड़ा होके। तो मैंने सोचा इसको जल्द से फिनिश ही करते हैं। मैंने देखा मेरे पास थ्रोएबल्स है, मैं फालतू मजे ले रहा हूँ। कसम से भाई हो ही गई समझो, ग्रेनेड फेंका मैंने अंदर। अब अगर इस पास 3 सेकंड है बस, अगर ये बाहर निकल गया सैड। ओहो अनिका को शायद पता नहीं था कि गेट इन करके वो बग्गी से निकल सकती थी इजीली। हाँ बाहर मैं था मारने के लिए, लेकिन वैसे भी तो मरना ही था ना भाई उसके अंदर, जो भी थी वो जगह शैक है फिर कुछ भी कह लो भाई, एक तरह से पिंजरा है यार वो। वहाँ पे गाड़ी बाहर लगा दो यूएस जैसी तो निकलना मुश्किल हो जाए। अब मैं यहाँ पर आया था थोड़े बहुत फुटस्टेप सुनने के लिए, लेकिन मुझे सुनने को क्या मिलता है, बकवास। और क्या मिलेगा यार, देखो मेरे को सुन ही रहा था कुछ, क्योंकि मेरा टीममेट बड़बड़ कर जा रहा था। बट हाँ मेरी मिनी मैप पर नजर थी तो वहां पर एक फुटस्टेप जरूर आया था, और शायद इधर से कोई ना कोई सप्रेस डैम्पर चला रहा था। ये रेड जोन से बच जाओ, काफी बेकार है। हाँ रेड जोन से तो बच रखे। और ये देखो बंदा क्या ही शांत बैठा भाई, एसएल के तो नहीं तेरे पास, टेंशन नॉट। अरे भाई कुछ ज्यादा गंदा हो गया तो बिल्कुल। एसएल के जो हार्ड कोर एसएल के प्लेयर्स होते हैं ना, जो इतनी दूर दूर से भी 500 मीटर से भी एसएल के चलाने का ट्राई करता है, बिल्कुल वो बन चुका हूँ मैं आज। खैर देखो साइड से कोई ना कोई बग्घी आती है, तो मैंने एक बार गोली चला के उनकी बुलाया कि भाई मैं इधर हूँ आके फाइट करो मेरे से। लेकिन मैंने सोचा भाई अपनी ये वाली स्नाइपर चला के देख लेते सप्रेस के साथ, लेकिन कुछ बात नहीं बनी है। बाहर की तरफ कोई फुटस्टेप मुझे आ रहा है, है ना, इन इन दीवारों के आसपास कोई तो घसीट रहा है भाई खुद को। भाई तुम इसी से देख के पता लगा रहे होंगे मैं कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा था भाई आज असल के चलाना। खैर जो भी हो एक और आ चुका है, रियल है, और ये पक्का रियल है। एक बॉडी शॉट, ओके गिनते रहे ना, दो बॉडी शॉट, तीन बॉडी शॉट भाई। M24 का हलवा बन रखा है कसम से इस वाले गेम में। खैर जो भी हो 19 किल्स यार, अब तो बस 20 किल्स दूर नहीं, एक तो रियल पेयर बची रखा है। याद करो बग्गी लेके मेरे सामने भाग के गया था, तो मैं उसी को ढूंढने यहाँ पर आया, लेकिन पीछे से एक बॉट मुझे पुकारता है, और इस समय मेरे को जितने किल मिल जाए ना उतने कम है, क्योंकि 20 प्लस करने थे मेरे को। और कसम से भाई मैं एसएल के नर्ड बन चुका हूँ लिटरली। डैम देख के मेरे को शर्म आ रही भाई, रिकॉर्डिंग देखते वक्त ही मैं क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई मज़े हैं सच में इसमें, मज़े तो हैं यार, तभी बंदे चलाते हैं। आसानी से काम बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ना कुछ सोचना ना कोई स्किल, बस चलाए जाओ। शांत हो जा मेरे भाई प्लीज, अपन है ना इधर अपन बोलेगा। खैर ऊपर की तरफ होता है बंदा, अब मैंने सोचा भाई इतनी स्किल के चलाने के बाद अगर यहाँ मैं ज़्यादा हीरोपंथी कर गया ना कसम से मैं खुद से ही नाराज हो जाऊंगा, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क लिया एक्चुअली, बट मैं बस बच गया।
अब इस पर सेस्टल के है तो बहुत गंदा मारेगा ये लड़का। बिल्कुल भाई मैं नहीं लेने वाला टेंशन नॉट, मेरे को परवाह है अपने गेम प्ले की। कूद गया है। अब बिल्कुल मेरे सामने होता है वो भी शायद मेरी तरह टिप पे ले रहा होगा। अभी भी M24 मार रही है मेरे को, कितना दयालु हूँ यार मैं। अब मैं निकल चुका था कि बेटा अब तो दो एस्टल के में काम बन ही जाना है। अरे भाई व्हाट द हैक। और यार कर लेते हैं किचन डिनर भाई। इतनी एस्टल के तो शायद पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब चलाई थी, 21 किल्स और हो गए। अब तो भाई हफ्ते 15 दिन मुश्किल ही मैं एस्टल के चलाता देखूंगा। फैमिली पैक मिल गया। यार जो भी हो इस वाला मैच में देखो मैं ओल्ड पर्सन में आया था, सोलो स्क्वाड खेला था, बिल्कुल ही अकेला है, कोई नहीं अब उनके साथ, और मेरे साइड में दो तीन बंदे भी उतरे हैं। अब मेरी किस्मत यहाँ पे फूटी निकलती है, जैसे कि मैंने तुम्हें हमेशा से बताया हूँ ये रिकॉर्ड रहा है कि इन वाले घरों में मेरे को लूट नहीं मिलती, और इस बार बंदे भी नहीं मिले भाई। एक्चुअली बंदे तो थे लेकिन मे भी उनको गन मिली क्योंकि तो मैं शक्ल दिखाते नहीं हूँ। फेरेट वाले घर की तरफ जाता तो क्या पता वहाँ पर ऑलरेडी बंदे मिलते, मैं बिल्कुल कहीं का नहीं रह जाता। तो मैंने सोचा ये घर सबसे सही है, यहाँ पर मुश्किल ही कोई आता है, वो अक्सर यहाँ पे रैंक पुशर से आते हैं थोड़ा बहुत लूट के यहाँ से गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, लेकिन मैं रैंक पुशर नहीं हूँ तो मैं यहीं पर जाने वाला हूँ। और ये जो ऊपर ट्रिपल स्टोरी है ना प्रोमोटरी की तरफ, ये वाला घर और लेफ्ट में स्क्वाड हाउस, मतलब इस पूरे एरिया में बंदे थे एक तरह से देखा जाए तो, हल्के से प्रोमोटरी के और हल्के से ओल्ड बेसिन के। मेरा ठीक ऊपर बंदा है लेकिन और इस बंदे को कवर मिल रहा है ओल्ड बेसिन की तरफ से और प्रोमोटरी की तरफ से कोई और टीम है, तो इसलिए मैं एक बार ऊपर गया ना तो लेफ्ट से राइट से हर जगह से पड़ने वाली है मेरे दोस्त। लेकिन मैं हूं बेशरम, मैं लूट करे बिना मानूंगा नहीं, तो मैं आया चेक करने क्रेट, और मात्र 1.5-2 सेकंड के लिए मैं शायद वहां खड़ा था और इतने में ही हेल्थ ऑलमोस्ट 45% कम कर दी है और बंदे ब्रश करने भी आ गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि ढंग से खड़ा भी हो गया देखने के लिए कौन किस तरफ है तो ट्रिपल स्टोरी से पड़ जाएगी। ओके शांत हुआ माहौल हल्का सा, क्या चल रहा है भाई। ओके ओके एक बंदा मेरे को स्पॉट हो चुका है, चलो कोई दिखा तो सही मेरे को, और ये नॉक्ड है, ना 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 खत्म। और बस इस बंदे का नॉक होने इतना ज्यादा शुभ था ना मेरे लिए, एक तरह से मैंने पूरी पहेली सी क्रैक कर ली। नहीं तो इन बंदों को ना नॉक करना मुश्किल था, हर कोई एक दूसरे को कवर दे रहा था, लेकिन ये मेरे को खुले मिल गया और बस। मुझे पता था इतना डैमेज तो मुझे झेलना पड़ेगा। अरे भाई रुक जा यार ये शॉटगन वाला बंदा, मैं बता रहा जिस बंदे को इसने मार रहा है ना, जिस पे भी शूट करा है, रेल बना दी होगी इस बंदे की बैक टू बैक पटापट पटापट। खैर जो भी यहाँ पर मैं फटाक से हील करता हूँ, फर्स्ट एड नहीं है भाई, बैंडेज लगा के बोर होना पड़ेगा, बट कोई नहीं, तुम नहीं मैं 20 सेकंड आगे ले जाता हूँ वीडियो को। मैं इस तरफ आया, ये जगह काफ़ी हद तक सेफ रहती है भाई, लेकिन हाँ सेंटर में आया तो खड़े हो गए तो हर जगह से पड़ सकती है, लेकिन अपन चिल करेंगे बिल्कुल बैठ के। अब इनको शायद पता नहीं था मैं इस तरफ हूँ, मैं बता दूँ क्यों ऐसा मुझे लगा, क्योंकि ये देखो कति ओपन में आ रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं इनको पता था और मेरा कोई जलवा ही नहीं है। भेब्स को यहाँ पे नॉक करा मैंने, भेब्स भेब्स ही रख लेते यार, बट कोई नहीं। अरे यार ये प्लेयर कुछ तगड़ा लग रहा है मेरे को, डू और डाई, थोड़ा सा बुरा लगा इस बंदे के लिए, और अच्छा तो खुद के लिए लगा होगा भाई, मार दिया उसको, नहीं तो वो मेरे को पूरा पूरा कंपटीशन दे रहा था यार, फालतू जल कूद में मर गया वो बंदा। अगर वहीं पे टिका रहता है फिर कवर में चला जाता तो बढ़िया रहता। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को सिर्फ 4 किल्स मेरे और आधा गेम खत्म भी हो चुका है, देखो 32 बंदे लाइव है। ये देखो मैंने गोली चलाकर उस बग्गी वाले बंदे को बुलाया, शायद से तुम्हें आवाज आ चुकी होगी, लेकिन मुझे इसकी आवाज नहीं आ रही है ना तो बंदे की और ना ही बग्गी की, तो मैं चुपचाप से इस घर में आ जाता हूँ। देखा बंदे ने अपने आप फुटस्टेप दिए भाई, ऐसे बंदे बढ़िया लगते हैं जो यार फाइट करने में थोड़ा दिखाते हैं इंटरेस्ट कि हाँ भैया जी हम फुटस्टेप्स दे रहे हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं। पर मैं यहाँ पे कैंप क्यों कर रहा हूँ? पर देखो मित्रों ओपन में कैंप करना गुनाह नहीं है, समझ रहे हो, ओपन में कैंप करना भाई कोई भी देख सकता है, लेकिन इस बंदे ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा मैं उस पट्टी पर बिल्कुल ऐसे इसके सामने खुले में चढ़ा रहूंगा। ब्रो व्हाट द हैक। खैर नीचे से इसका टीममेट आता है और अब इसी के स्किल के उठाकर इसी के टीममेट के मारूंगा मैं, मतलब हद है भाई। मैं स्किल के चला तो तब देखो कितने कम स्किल के प्लेयर्स मिले थे, लेकिन अब मैं चुपचाप सरी बन रहा हूँ तो सारे स्किल के लेकर आएंगे, बहुत अच्छे। अब हो सकता है इसके टीममेट के पास भी स्किल के हो, मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा सकता, वो जिस तरह से चल के आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से तो ये लग रहा था स्किल के उसके पास।
क्या ही बंदे हैं भाई, देख रहे हो वो बिल्कुल मेरे वाली टैक्टिक्स ट्राई कर रहे, जैसे मैं पिछले मैच में दूर दूर से स्किल के मारा था ना, स्नाइपर बनना तो बिल्कुल। ओके डन, इसको खत्म करा भाई। धीरे धीरे कितने टीममेट्स आएंगे इनके मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ छोटे बहुत स्किल के कैम उठाए, और देखो जोन भी आ चुका है भाई। अब मेरे को एक सेकेंड, ये बाहर कौन है? ठीक है भाई, एक बॉट होता है, और यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे बॉट्स आ चुके थे, तो मैं सारे बॉट्स को खत्म करता हूँ। इनको खत्म करने के बाद मैं एक बार ऊपर क्रेट लूटने का, क्योंकि मेरे को देखो अभी भी एस क्यू के थोड़े एमो चाहिए। पर अगर तुम कुछ नोटिस कर पा रहे हो, हाँ शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन सामने देखो, अभी भी देख पा रहे, अब देखो भाई ये एक रियल पेयर था, सोच रहे हो? और ये भी नॉक क्यों है, मुझे नहीं पता कितने बंदे यहाँ पे आने वाले हैं, पर अब सच में मैं जोन की तरफ जाना चाहता हूँ। अब बस करो, जोन में मिलते हैं ना यारो। मैं ज़्यादा यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, फटाक से वाली बग्गी उठाता हूँ। और तुम लोग सोच रहे होंगे भाई बग्गी उठा लेती तो तुम्हें पता नहीं कि मेरी ड्राइविंग कैसी है। वो उस नदी से क्रॉस करते हुए मैंने गलती से गाड़ी ठोक दी वहाँ पर, तो मुझे पैदल ही आना पड़ा यहाँ पर। और मैं जैसे ही गाड़ी पिक करता हूँ यहाँ से, यहाँ पीछे से कहीं से मेरे को पड़ती है, तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने सोचा भाई इसका भी मैं सिस्टम हैंग करता हूँ, एक सेकेंड रुको। ओ बे कवर में था तो कैसे मेरे को डैमेज गया? और देखो मैंने इतना डैमेज को दे दिया था कि वो 70% लो हो जाता, लेकिन मैं बताऊँ उसको 10% डैमेज गया सिर्फ। डैमेज रजिस्टर नहीं होता इस गेम में। खैर कोई नहीं, मैं ऊपर की तरफ आया थोड़ा देखने के लिए क्या सीन है, और एक ही बंदा लग रहा है भाई दूर दूर तक, और टीममेट्स होते तो शायद अभी तक शूट कर देते। पूरी टीम थी भाई, इन्होंने लगता प्लान वगैरह बनाया था कि हाँ तू लड़ आराम से, और जैसे ही बैकअप की जरूरत पड़ेगी तभी की तभी एडब्ल्यू चला दी जाएगी। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत सही टीम वर्क करा। ओहो झप्पी भी दे दिए भाई ने, कति कॉन्फिडेंस आ गया अब तो मेरे अंदर। ये वाला मैच में देखो थर्ड की तरफ आया, और जैसे उतरा एक के मेरे को मिल गई, फिर वाला घर तो है ही, और ये बंदा गया बस खत्म ही है। सैड, बहुत बुरा हुआ बंदे के साथ। एक एम तो मिल गई थी भाई को, लेकिन एकदम से शूट नहीं कर सकता था ना, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका था, और इसके टीममेट भी इंस्टेंटली नहीं आया। और अब तो आ सकते हैं भाई, अब तो शायद वेपन्स मिल गए होंगे। और इनको देख के तो लग भी नहीं रहा भाई टीममेट का बदला भी लेना चाहते हैं, मतलब क्रेडिट दिख जाती है, पता रहता है कि हाँ बंदा आसपास वहीं कहीं होगा, लेकिन नहीं इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब देखो मेरे लेफ्ट वाले घर में एक बंदा है, अब वहाँ से लूट के जरूर वो इस तरफ तो आएगा ही, तो मैं बस उसी का वेट कर रहा था। शिट, ओ भाई क्या ही मारा बंदे ने। हाँ मेरे पास वेस्ट नहीं थी, बट स्टिल वेस्ट हो भी जाती तो क्या हो जाता, 20% थोड़ी हेल्थ और रह जाती, लेकिन बंदे ने बहुत सही मारा। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था यार, खत्म कर दिया बंदे को। वेल अब तो उन लोगों को रश कर देना चाहिए मेरे पे ना, मतलब ये तो उनका टीममेट होगा, नहीं ये तो नहीं था, ये तो सोलो स्क्वाड था ना, डायरेक्ट फिनिश हुआ है। लेकिन फिर भी आसपास फाइट हो रही है, मेरे जैसा जंगली इंसान तो भाई इतनी दूर फाइट होती तो भी मैं थर्ड पार्टी करने घुस जाता हूँ, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलो यार तुम्हें सीधा फाइट दिखाता है, विल स्किप टू द गुड पार्ट। मैं यहाँ पे बहुत देर वेट करता हूँ, मैंने 30 सेकंड हो चुकी होंगी, बहुत देर नहीं है बट स्टिल यार इतनी तगड़ी फाइट हुई है, उसके बाद ही बंदे शांत पड़े हैं। लेकिन ये जो बोट है ना, इसकी वजह से थोड़ी नजदीकियाँ आती है हमारे बीच, आई मीन इन एनिमीज के और मेरे बीच, नहीं तो वो लोग भाई मेरी तरफ आते नहीं, वो बोट दिखे से उन्होंने शूट कर दिया और तभी मैंने शूट कर दिया। स्टन ग्रेनेड हमेशा मेरे काम आता है। गंदा बच्चा निकला भाई एसक्यू की। Get out.